नमस्कार, मैं तमसिंह शो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो अपनों को अपनों से मिलाते हैं। ये अपने प्रोफेशन को ऐसे जॉब नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी और वफादारी से निभाते हैं, कम्युनिटी के लिए हर समय तैयार हैं। आजकल जब हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से नहीं जा सक रहे हैं, या हमारे रिश्तेदार जो इंडिया में हैं वो वापस अमेरिका आना चाहते हैं, तो इस समय बहुत सी र्यूमर सुनने को मिल रही हैं। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब लेने के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं कम्युनिटी के फेवरेट कौंसल जनरल ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर संदीप चक्रवर्ती। Honorable Consul General, Mr. Sandeep Chakravarti, welcome to Neeta Bhasin Show. Thank you, Neeta ji. सबसे पहले तो आज का शो शुरू करने से पहले मैं आप और आपकी जो वंडरफुल टीम है उनका अपने और कम्युनिटी की तरफ से थैंक यू करना चाहती हूँ, जो आप इस मुश्किल वक्त में दिन रात कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है कम्युनिटी के लिए, तो आप इतना काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत से सवाल कम्युनिटी के हैं, आप हमें उन सवालों का जवाब दें, क्योंकि बहुत से सवाल जो इंडिया के हैं वो इंडिया न्यूज में देख लेते हैं लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अपनी जुबान में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है शो का, अपनी जुबान में ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी तक पहुंचने का। यहाँ पर शेल्टर एट होम और इंडिया में लॉकडाउन लगा है। इस लॉकडाउन की वजह से जो यहाँ पर हमारे NRIs हैं, H1B वीजा के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इंडिया में NRIs स्टक हैं वो भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे वन बाय वन कि जो NRIs यहाँ पर हैं और जिनकी फैमिली में इंडिया में कोई मिसहैप हो गया है, उनकी फैमिली में कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो जाना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? थैंक यू नीता जी, यू आर डूइंग ग्रेट कम्युनिटी सर्विस। इनफैक्ट आपका जो ये शो है ये काफी प्रसिद्ध हुआ है, और मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, और ओवर कम्युनिकेट करना भी अच्छा है बनस्बत कि कम कम्युनिकेट करें लोगों को। ये सब समझ बुझ के, काफी सोच समझ के एक प्लान बनाई गई है वंदे भारत मिशन। उसका फर्स्ट फेज हो गया है, सेकंड फेज अभी चालू होने वाला है और उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो जिसको जरूरत है, बहुत नीडी है और कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, उनको हमारे तक पहुंचाने में आप मदद करें, वो हमारे साथ संपर्क में भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूर ध्यान रखें जो भी भारत जाना चाहते हैं कि 14 डेज ऑफ कंपलसरी क्वारंटाइन है। ये नहीं कि मतलब अगर आपके यहाँ डेथ का भी केस, बहुत सारे केसेस हम हैंडल कर रहे हैं, ये नहीं कि अगर आप पहुंचे लैंड किए सीधा आप अपने चाहने वालों के पास या लव्ड वंस के पास जा पाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। आपको क्वारंटाइन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो 14 दिन बाद वो जो इमरजेंसी वो एक तरीके से बदल जाती है। तो ये सोच समझ के लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। मिस्टर चक्रवर्ती, मेरा सवाल ये है कि जो 14 दिन जब वो प्लेन से उतरे, तो 14 दिन जो है उनको गवर्नमेंट अपने पास रखेगी या वो अपनी फैमिली के पास क्वारंटीन के लिए जाएंगे? नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, ये होटल्स में अरेंजमेंट्स किया गया है। तो 14 दिन वो किसी किसी गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड होटल्स में जाएंगी, गवर्नमेंट उनको लेके जाएगी होटल में और वहां पे रहेगी, लोग रहेंगे। तो दे हैव टू पे फॉर दैट, पेड क्वारंटीन। मेरा अगला सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो H1B वीजा पर आए हैं, उनका जॉब्स चली गई हैं H1B वीजा वालों की, और उनको विद इन 60 डेज वापस जाना पड़ेगा, और लोगों की जॉब्स काफी टाइम पहले से गई हुई है बिफोर दिस फेज वन एंड फेज टू स्टार्टेड। तो अगर उनका वीजा एक्सपायर हो गया यहाँ पर H1B, और वो वापस कैसे जाएंगे, पहली बात ये, और दूसरा अगर वो किसी तरह से इंडियन कॉन्सुलेट ने उनको वापस भेज दिया, फ्यूचर में अगर उन्होंने आना हुआ तो एक्सपायरिंग H1B वीजा पर जाए अगर गए हैं, तो उनका स्टेटस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो कॉन्सुलेट उसमें उनकी कैसे हेल्प कर रही है?
नहीं, ये ना भ्रम है, ये लोगों के दिमाग में शंका है, ये गलत शंका है। लोग भूल जा रहे हैं कि अमेरिका भी कोविड से गुजर रहा है, हम लोग भी कोविड से गुजर रहे हैं, दुनिया कोविड से गुजर रहा है। ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं इस जमाने में जो पहले कभी सोची नहीं थी। तो ये क्यों लोग सोच के बैठे हैं कि जो 60 डेज है और उससे देर हो जाएगा तो आपकी वीजा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहाँ पे आया ये? कहीं नहीं आया। यू नो ऑल दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स ली जा रहे हैं, सारे गवर्नमेंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी तो लोगों के वीजा एक्सटेंड कर दिए ऑटोमेटिकली, ऑनलाइन पे अप्लाई कीजिए वीजा एक्सटेंड। तो भारत में भी तो ये सब लागू होती है। तो ये लोगों के दिमाग में गलतफहमियां हैं जो अटॉर्नीज ने फैलाया है, उससे लोगों में पैनिक क्रिएट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बातचीत हो रही है अमेरिकन सरकार से, उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड, फ्लाइट से नहीं है तो जाएगा कैसे आदमी? These evacuation flights are for people who are in an emergency, death case हो, medical case हो, फंस गए हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, pregnant ladies हैं, उनको मौका देना चाहिए, ना कि students और H1B जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे वीजा कॉम्प्रो, ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, मेरा ये धारणा है। और हम लोगों ने अमेरिकन सरकार से भी बात की है, बातचीत चल रही है, सबने कहा है कि you know we will take a sympathetic view of the visa status। हमारे इस शो का मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बाहर र्यूमर्स हैं, जो लोगों में एक पैनिक है, आपने अभी डायरेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क ऑनरेबल संदीप चक्रवर्ती से आपने सुना है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सुलेट यहाँ पर आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है, कोई भी आपके सवाल हो आप हमारे शो में भेजें। मिस्टर चक्रवर्ती, आपके पास ज्यादातर क्वेरीज किस टाइप की आ रही हैं आजकल? देखिए, एक क्वेरी जो आ रहा है वो ये कि एक तो जो आपने अभी बताया वीजा स्टेटस का, दूसरा जो आ रहा है स्टूडेंट्स के काफी आ रहा है। बट मैं भी स्टूडेंट्स को कहना कि थोड़ा सब्र रखिए और नॉर्मलाइजेशन हो जाने दीजिए। देखिए, इमरजेंसी अगर आप आज अनुभव कर रहे हैं 14 दिन में वो बात बदल जाती है, क्योंकि क्वारंटाइन को लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि जैसे लैंड करेंगे वो अपने काम पे या जो भी उनका है इमरजेंसी उसको एड्रेस कर पाएंगे, तो वो बात नहीं है। देर इज क्वारंटाइन। इवैक्यूएशन फ्लाइट्स है वो देखिए बहुत कम है, एक प्लेन में 300 लोग जा पाते हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने रजिस्टर किया है, तो ये असंभव काम है कि आप किसको ले किसको ना ले। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं ले आ रहे। आपके कैटेगरी में भी बहुत लोग हैं जो हम समझते हैं कि वो ज्यादा उनको जाना आवश्यक है। एक और सवाल आ रहा है OCI लोगों का, इस वक्त वीजा और OCI सस्पेंडेड है, वो भारत सरकार ने एक सोच समझ के निर्णय लिया है। तो कई लोग ये पूछ रहे हैं हमारे बच्चे OCI हैं और या हमारे फैमिली मेंबर्स OCI, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। उसका एक कारण है, उसका एक बेसिस है। तो जो OCI के लोग हैं और अमेरिकन नेशनल्स हैं वो अभी सबर करें, ये इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हैं, इसमें खाली भारतीय नेशनल्स को ही हम ले जा सकते हैं, हम फॉरेनर्स को नहीं ले जा सकते। ये नहीं कि ये हम लोगों ने इन्वेंट किया, ये इंटरनेशनल पॉलिसी रहती है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत से लोगों को निकाले, तो उन्होंने खाली अपने नेशनल्स को ही निकाले, यही प्रथा है, ये रीति है, इसको लोग थोड़ा सम्मान करें, माने। एक कैटेगरी के लोग थे वो मैं बताना चाहूंगा, वो है इंडियंस हु वर स्टक इन इंडिया बट उनका नॉर्मल रेजिडेंस USA, जैसे H1B वाले हो या एक पर्टिकुलरली H1B वाले हो, जो यहाँ काम करते हैं अमेरिकन कंपनीज में या भारतीय कंपनी में यहाँ काम करते हैं, वो काम से गए थे भारत, वो फंस गए थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले हफ्ते जो 7 फ्लाइट्स आई उसमें वो भर भर के वापस आ गए, और इस हफ्ते जो और 7 फ्लाइट्स चलेंगी उसमें भी वो वापस, तो वो सारी टिकटें बिक गई। तो ये एक कंप्लेंट थी कि वो इंडियंस फंस गए थे इंडिया में, जो अमेरिकन नेशनल्स नहीं है, इंडियंस है लेकिन यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, और उनको लाने की भी कोशिश जारी है, काफी लोग आ गए। मिस्टर चक्रवर्ती, न्यूयॉर्क एपिक सेंटर रहा है, हाईएस्ट डेथ्स यहाँ पर भी हैं। अगर देखा जाए तो जो इंडियन कम्युनिटी है, द लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी लिव्स इन कैलिफोर्निया स्टेट वाइज, आउट ऑफ मोर देन 4.8 मिलियन इंडियंस जो यहाँ रहते हैं, लेकिन मोर देन 1/3 इंडियंस आर लिविंग इन दिस ट्राई स्टेट एरिया, और डेथ रेट्स क्वींस में और न्यूजर्सी में बहुत हाई रहा है, और इन्हीं एरियाज में हमारी पॉपुलेशन इंडियंस की बहुत हाई है। तो डेथ जो हो रही है, आपको इसकी कितनी नॉलेज है, आपके पास जो लोग रीच आउट कर रहे हैं, जो कॉन्सुलेट उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है?
हाँ नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। दुख की बात यह है कि हमारे जो कम्युनिटी है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, वो भी अफेक्टेड रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो अफेक्टेड नहीं रहा है। और आपने ठीक बात कही कि क्वींस में, न्यू जर्सी में काफी हमारे जनसंख्या अच्छी है और ज्यादा है। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो डेटा जो निकलता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो नेशनलिटी वाइज नहीं डिफ्रेंशिएटेड है। तो संख्या बताना बड़ा मुश्किल है कि कितने भारतीय मूल के लोग चल बसे या दूसरे देशों के कितने लोग थे। वो डेटा हम लोगों ने पूछा था, लेकिन वो नहीं देते, और उसका कारण है, नहीं देना चाहेंगे वो लोग। तो उनके वी रिस्पेक्ट दैट। हमारी कम्युनिटी काफी वल्नरेबल रही है बिकॉज दे आर इन द फोर फ्रंट, नर्सेस, डॉक्टर्स, अदर प्रोफेशनल्स। और उसमें भी बिकॉज दे आर इन द फोर फ्रंट, वी नो मेनी केसेस, नॉट मेनी, एटलीस्ट सम केसेस पीपल हैव डाइड। इनफैक्ट आप ही के भी कुछ डॉक्टर्स बीमार थे और अभी भी हैं, उनको हम लोगों ने सब कम्युनिटी की तरफ से प्लाज्मा या दूसरे तरीके से मदद करने की कोशिश करी थी। भारत में भी बहुत काम हो रहा है वैक्सीन के लिए, और यूएस में भी हो रहा है। इनफैक्ट देर इज सम कोऑपरेशन गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, एंड आई होप दैट विल कम थ्रू एंड बी फ्रूटफुल। एंड वी वर रादर हैप्पी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका उल्लेख किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी कम्युनिटी इंडिया में जो इस समय हमारे बहुत से लोग को खाना नहीं मिल रहा है, पॉवर्टी में है, और गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है, बट स्टिल इट्स नॉट इनफ। वी हैव 1.3 बिलियन पीपल। हाउ कैन इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन अमेरिका कैन हेल्प इंडियंस लिविंग इन इंडिया? नहीं, वो तो एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और वो ना, मैंने जो पहले कहा था कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का बहुत स्ट्रांग इंडिया कनेक्शन है, सेंटिमेंटली, इमोशनली एंड अदरवाइज आल्सो। तो वो लोग मदद करते हैं और हर समय करते हैं। तो दो तीन तरीके हैं। एक तो पीएम केयर्स फंड जो एक बनाया, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, वो डोनेशन फॉरेनर्स से लेती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है या पीएम के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे ये आश्वासन मिलता है कि वो जो पैसा आप लोग देंगे, धनराशि देंगे, वो सीधा किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जो इन लोगों को, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, पुअर पीपल, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको, उनकी मदद में वो पैसा खर्चा होगा। दूसरा, कई सारी चैरिटीज हैं जो काम करती हैं और अभी भी काम कर रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं एक दो का नाम लेने में मुझे कोई झिझक नहीं होगा, जैसे कि अक्षय पात्रा हुआ, स्टूडेंट्स होप हुआ, प्रथम हुआ, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, और भी कई सारे चैरिटीज हैं जो काम कर रही हैं। ऑनरेबल मिस्टर चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस नीता भसीन शो। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप इसी तरह जैसे कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं करते रहें, और वी लुक अप टू द कॉन्सुलेट ऑल द टाइम। और आपके ने हमें समय दिया, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार अनीता जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू। आप बहुत पॉजिटिविटी फैला रहे हैं कम्युनिटी में। आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आर। हमें किसी हालत में हताश या निराश नहीं होना चाहिए, और भविष्य के लिए सोचना चाहिए, कल के लिए सोचना चाहिए। और इस काम में आप हमारे मददगार हैं, आप हमारे कोलैबोरेटर हैं। थैंक यू वेरी मच।